हेलो एवरीबॉडी, काफी सारे स्टूडेंट्स की ये इंक्वायरी आ रही है कि हम कंप्लीटेड कोर्स भूलते जा रहे हैं तो उन्हें रिवाइज करें या फिर आगे आने वाले जो कोर्सेज बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करें। कंफ्यूजन है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रिमेनिंग कोर्सेज बहुत कम बचे हैं और आप एक या दो कोर्सेज पर डे पढ़ रहे हो तो भी आपका अगस्त के पहले पहले सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो आप पैरेलली मतलब कॉन्करेंटली डे में रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो वन कोर्स अ डे, कि 2-3 घंटे रिवीजन कर लिया, बाकी के टाइम में आपने कोर्सेस पढ़ भी लिए और अगस्त तक फिर भी आपका रिमेनिंग सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो फिर आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो अभी आप चिंता मत कीजिए उस चीज की, उसके लिए हम रिमेनिंग टाइम को रखेंगे। आप पहले सिलेबस को फिनिश करने की कोशिश कीजिए, अगस्त तक फिनिश करिए। अगर आपने लेट से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन या एग्जाम, आपकी सेमेस्टर एग्जाम या किसी रीजन से आप डिले हो गए हैं, तो सितंबर तक फिनिश कीजिए। हार्ड फास्ट लिमिट है कि अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कवर करना ही करना है, जितना कोशिश हो पाए। अगर एक दो टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट्स बच जाते हैं तो देन वी विल सी उन सब्जेक्ट्स को, फिर हम देखेंगे कि उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लें या लेटर ऑन बेस्ड ऑन योर कैंडिडेटचर आप मुझसे पर्सनली बात करके और मुझसे एडवाइस ले सकते हो, बट ये अक्टूबर के बाद की बात है। तो अगर आपका सिलेबस अभी काफी बचा हुआ है तो आप पहले उस पे फोकस कीजिए और उसे कंप्लीट करके अच्छे नोट्स बनाइए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। सिलेबस कवर होने के बाद हम इनफ टाइम देंगे, कोशिश करेंगे कम से कम 3-4 महीने हमें मिले ताकि मल्टीपल रिविजन हो जाए, प्रैक्टिस हो पाए, टेस्ट सीरीज हो पाए। अभी उसकी चिंता आप मत कीजिए, बट हाँ, अगर आपका सिलेबस फिनिश हो गया है या होने वाला है बहुत जल्दी, तो आप रिविजन पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं विद योर इजिएस्ट कोर्स। आई होप मैंने आपकी क्वेरी को अच्छे से एड्रेस किया और उसका आंसर भी दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे या जब टेस्ट आएगा तो उस टाइम बाउंडेड लिमिटेशन को हम कैसे फेस करेंगे, तो आप एक वीकेंड पे आने वाला टेस्ट दे सकते हैं। इस संडे को एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का स्कॉलरशिप नहीं भी चाहिए तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस टेस्ट को लिख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब टाइम बाउंडेशन होता है और क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं जिन टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे या हमसे होंगे या नहीं होंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा अगर आपको पढ़े हुए टॉपिक से भी क्वेश्चन क्विकली नहीं बना, तो हमारे पास आखिरी के 4 महीने 3 महीने हम आराम से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन में देंगे, तब हम कवर कर लेंगे। याद रखिएगा जो रिवीजन की बात मैंने कही है, आप लोग भली भांति इस चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक बार, जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक बार आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि अगर आपको और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस हो रही है। आई ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ अ शॉर्ट वीडियो फॉर द सेम। लेट्स क्रैक इट।